नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के गरोठा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, जो कि 4 महीने पहले ही जेल से छूट कर आए हैं, उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही हैं, क्योंकि पुलिस ने मोठ में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। आपको बता दें इस मामला क्या है कि दरअसल जो उनकी जमीन है गैंगस्ट एक्ट के तहत जब्त की गई थी, उस जमीन पर खेती करने का आरोप है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर मोठ रनबे ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि 15 सितंबर को सूचना मिली थी कि जब्त की गई जमीन पर जो झंडी लगी थी उसे दीप नारायण ने उखाड़ फेंका और उस भूमि पर धान बो दी है। लेखपाल को बुलाकर इस मामले की जाँच कराई गई तो पता चला कि वहाँ पर खेती हो रही है। पुलिस ने धारा 434, 447 और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की धारा 3 के तहत दीप नारायण और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद दीप नारायण सिंह यादव इन दिनों निवाड़ी में अपनी पत्नी श्रीमती मीरा दीपक यादव की प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। उनके खिलाफ अब यह मामला दर्ज होने से दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें हालांकि बढ़ सकती हैं, लेकिन देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि दीप नारायण सिंह यादव लगातार निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब मामला दर्ज होने के बाद आगे क्या स्थिति बनती है, यह बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि निवाड़ी का चुनाव दीप नारायण सिंह यादव के लिए जल्दी प्रतिष्ठा का सवाल है और पार्टी को जीत दिलाना भी उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट।